और हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ सब कुछ होता है जो एक स्टूडेंट के विकास के लिए जरूरी है। हम बात करेंगे आगे, जो है उस पर संतुष्ट होना तो एक बात है, हमें अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करें, कैसे करें और कब करें, तीन सवाल होते हैं। पहले क्या करें, कैसे करें, कब करें। लेकिन इससे पहले कि कुछ करें, कुछ सुने, कुछ समझें और कुछ शेयर करें। कल लिखना है, कैसे लिखेंगे, जया की सुरीली आवाज में एक बहुत प्यारा गीत आप सबका हमारे रुतौर। तालियां होनी चाहिए जोरदार। जया छात्र संघ की उपाध्यक्षा भी हैं और कवित्री भी हैं और गायिका भी हैं। नमस्कार। आपका लगा था कॉलेज क्या, स्कूल हमारा अच्छा था, कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होगी, टीचर्स कैसे होंगे, ये सब हमें मालूम नहीं था। जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो धीरे धीरे मुलाकात हुई हमारी टीचर से। क्या है बच्ची, लगती छोटी है। मैं कोई जो है अभी तो कॉलेज में आ गई है, तो अब पीटीएम तो अब कई की है, अब स्कूल में नहीं है। अब तो है महाविद्यालय के अंदर, तो कि नहीं आज हमारे कॉलेज के अंदर ही है वो पीटीएम का प्रोग्राम है। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक समाज का जो ये कार्यक्रम जो स्कूलों तक विद्यालय तक सीमित था वो अब बढ़कर जो है महाविद्यालय तक आ गया है। इससे जो अभिभावक है उनको कॉलेज प्रशासन से जुड़ने का मौका मिलेगा। और कॉलेज पहुंचो बस, तो मैंने कहा पहुंच जाते हैं क्या करें। तो पहुंचे और ये इस तरीके का पेरेंट्स का कार्यक्रम कराया, इसके लिए पूरी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं तो कहूंगा इस तरीके के कार्यक्रम आप करवाते रहें ताकि सबका आपस में जुड़ाव रहे, सब मिलना जुलना होता रहे, एक परिवार की तरफ रहे। तो इस तरीके के कार्यक्रम हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस कॉलेज की प्यारी बेटियों, सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने हमें अपने प्रांगण में बुलाया और इस लायक समझा, मंच पर स्थान प्रदान किया। कॉलेज को लेकर के मैं किसी भी रूप में चिंतित नहीं हूं। बीइंग अ फादर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। हुई है प्रेस मीटिंग? नहीं सर, ये पहले कभी कॉलेज में नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ये पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो अक्सर स्कूल्स में देखी जाती है, ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जो कि कॉलेजेस में भी शुरू की जाए। क्योंकि क्या होता है, एक उम्र के बाद माँ बाप बच्चों की लाइफ में पढ़ाई में इंटरफेयर करना थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स के साथ मिलते हैं, टीचर से बात करते हैं, बच्चों का ग्रोथ कितना है, बच्चों का रिपोर्ट कितना है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कदम है पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसी एक चीज़ शुरू करने की। तो इससे आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी या फिर कोई हौसला अफजाई होगा, क्या होगा आपका? ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई, क्योंकि पापा के साथ जब सर मिलते हैं पता चलता है क्या कमियां मुझ में हैं, क्या चीज़ है जिसको मैं अच्छा कर सकती हूँ। जब वो बताते हैं कि ये कितना अच्छा कर रही है या कितना जो चीज़ है जो उसमें कमी है सब कुछ बताते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए हमको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है जो कि कॉलेज में कम देखने को मिलता है, तो एक अच्छी चीज़ है। क्या चीज़ें सिखाई जा रही है? ये मतलब पहली बार हो रहा है कॉलेज में, इसलिए बहुत अच्छा ही लग रहा है। और पापा आए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना स्कूल छोड़ के एक दिन की छुट्टी लेके आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि पापा मेरे टाइम निकाल के आए। और उनको जो सही लगा कॉलेज के लिए उन्होंने बताया कॉलेज में, और कॉलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं, शुरुआत अच्छी हुई है। अब ऐसा होता रहेगा तो ये लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे और इनको भी पता चलेगा कि हमारे कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और क्लास में कितने बच्चे आते हैं और टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, वो सब पता चलेगा। वरना इतना ध्यान नहीं रह पाता है कि सब लोग अपने काम में इतना बिजी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम बताते हैं तो ठीक है, चला के कम ही पूछना हो पाता है। अब इसकी वजह से वो जान पाएंगे कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। आयुक्ताल कॉलेज शिक्षा के द्वारा पहली बार कॉलेजों में पेरेंट्स की मीटिंग आयोजित करने के लिए योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद है पेरेंट्स के साथ संवाद करके कॉलेज का विकास कैसे किया जाए, कॉलेज के विकास के बारे में उनके सुझाव क्या है, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, और जन सहयोग से कॉलेज को और कैसे आगे ले जाया जा सकता है, और कॉलेज के अंदर और क्या कोर्सेज खोले जाए जिससे बच्चों का विकास हो, इन सभी को लेकर के इनके साथ पहली बार आज 12 अक्टूबर पूरे राजस्थान में सभी कॉलेजों के अंदर मीटिंग रखी गई है, उसके अंतर्गत आज यहाँ भी आयोजित की गई, और इसके अंदर हम पेरेंट्स से संवाद करके उनके सुझाव जो है उनको लागू करने का प्रयास करेंगे, और एक महीने बाद वापस इस पर मीटिंग होगी।
और उसमें मूल्यांकन किया जाएगा कि उसका किस तरह से पालन किया जाए और कॉलेज के विकास के। बिल्कुल होगा, पहली बार कॉलेज के अंदर पेरेंट्स आकर के बातचीत कर रहे हैं, उनके बच्चों की क्या समस्या है और उनका क्या सुझाव है। विशेषकर आज के समय में जब समय चेंज हो रहा है, नई शिक्षा पद्धति आ रही है, उसमें पेरेंट्स के जो सुझाव उसका भी हम पालन करेंगे और बच्चों का क्या भविष्य में कैरियर निर्माण के लिए किया जा सकता है और पेरेंट्स उसके बारे में क्या जाता है। तो पेरेंट्स और कॉलेज प्रशासन प्लस छात्रों के बीच संवाद करके आगे के विकास के बारे में और ज़्यादा शिक्षा कैसे अच्छी हो इसके लिए प्रयास करेंगे। पीले चावल भेज करके और बच्चों के मार्फत, विशेषकर हमने बच्चों के मार्फत ये प्रयास किया कि आप अपने मम्मी पापा को लाओ और कॉलेज का माहौल बताओ और हमें भी मिलाओ ताकि पता चले आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो और आपका भविष्य में क्या आगे प्लान है उसके बारे में योजना करें और आपके पेरेंट्स के सुझाव भी लें ताकि वो आपके भविष्य निर्माण के लिए आपको कितना समय दे सके, किस तरह के कोर्स चाहते हैं और भावी देश का निर्माण कैसे और युवा आगे कैसे बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग की थी, मेरी बच्ची कॉलेज फर्स्ट ईयर पढ़ रही है, तो बच्ची ने बताया था कि पापा आज 3 दिन पहले के पापा 12 तारीख को मीटिंग पेरेंट्स मीटिंग की थी। बुलाया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा ये तो स्कूल में तो क्या है कि बच्चे जो प्राइमरी मिडिल सीनियर तक पेरेंट्स मीटिंगें होती रहती है, रेगुलर जाते हैं, हम एनुअल फंक्शन में भी जाते हैं, लेकिन कॉलेज में ये पहली बार सुना और मुझे मतलब आश्चर्य लगा। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है पेरेंट्स को, तो इस वजह से मैं आया यहाँ और मैंने यहाँ कॉलेज का दृश्य देखा। इससे फ़ायदा ये है जी कि आज हम पेरेंट्स हैं तो कॉलेज में, हालांकि मेरी 2 बच्चियाँ पहले भी ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ कॉलेज का क्या के वातावरण ऐसे, हम प्राइवेट वगैरह था रेगुलर में बच्चे भी पढ़ते थे तो भी ऐसा नहीं था। यहाँ आके आज मुझे ऐसा लगा जैसे बच्ची कहती थी क्लासें बराबर लग रही है, लेकिन थोड़ी यहाँ आने से मुझे एक परिवार सा मिल गया समझ। जो शंकाएं होती है पेरेंट्स के कि भाई मेरी बच्ची है और कॉलेज जा रही है, तो वो शंकाएं दूर होगी जब पेरेंट्स का टीचर का आपस में जब हुआ तो हम एक परिवार की तरह, जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूपी सुतार है, मैं बीसी कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है पेरेंट्स के और टीचर्स के बीच में जो मीटिंग हो रही है, इसमें ये फायदा है कि जब हमारे पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलेंगे वो बच्चों के बारे में बताएंगे कि हमारे बच्चों का घर पे कैसा व्यवहार है और स्कूल में वो किस तरह रहते हैं, मतलब सॉरी कॉलेज में वो किस तरह से मतलब आते रहते हैं, और हमारे जो प्रशासन जो टीचर्स वगैरह है वो हमें मतलब माता पिता की तरह ही रखते हैं कॉलेज के अंदर, और उससे हमारे पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि हमारे बच्चों को भी भाई टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और स्टडी भी बहुत अच्छी करवाते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, ये पहली बार हो रही है हमारे कॉलेज के अंदर, इससे पहले मैं थर्ड ईयर में हूँ और इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था ऐसी मीटिंग, ये मेरे हिसाब से पहली बार ही हो रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए और जिससे माता पिता और टीचर्स को सबको लगे कि हमारे मतलब बच्चे किस तरह से कॉलेज में पढ़ते हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है। नयापन यही लग रहा है कि मीटिंग हुई है, इसमें पेरेंट्स और माता पिता आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बता सकते हैं कि हमारे बच्चे मतलब घर पे कैसे रहते हैं और कॉलेज में कैसे। आपके पेरेंट्स साथ साथ आए? नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं आए, धोरीमना में वो गांव में रहते हैं ना, इसलिए कोई मुसीबत से वो नहीं आ पाए।